लुत्सु गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 7 बज चुका है और मैं दोस्तों अभी रेडी हो चुका हूँ ड्यूटी के लिए। और मैं ड्यूटी आने के बाद प्लान है कि मार्केट जाने के लिए प्लान है दोस्तों। तो आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत जो है गुलाब हुआ हुआ है दोस्तों, रोज़ देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे दो उसका पौधा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, खास करके जब पानी उसके ऊपर गिरा हुआ तो और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये दूसरी किस्म के गुलाब है दोस्तों, बहुत ही भी खूबसूरत है। बट इसमें यह है दोस्तों कि अब दोनों में खुशबू नहीं है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है मगर खुशबू नहीं है। खुशबू है दोस्तों जो रेड होता है उसमें आता है दोस्तों, खुशबू निकलता है। और इसके बाद दोस्तों हम ड्यूटी से आने के बाद से हम लोग निकलेंगे 3 बजे के लपेट में मार्केट के लिए, और कुछ खाना पीना भी है और साथ में शाम के समय में रेस्टोरेंट भी जाना है। तो ये आप देख रहे हो ड्यूटी से रिटर्न जब मैं हो रहा था दोस्तों, उस टाइम का व्यू है। थोड़ा बारिश का मौसम है, बादल छाया हुआ है और ये एक जगह से जो पानी जो दोस्तों गिर रहे हो यानी वाटरफॉल वहाँ पर चालू है, झरना जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर नहाने भी जाते हैं, मैं भी गया था दोस्तों। और ये लगभग यहाँ 3-4 जगह पे ऐसा होता है। और ये दोस्तों मैं थोड़ा सा आग जला रहा था, जो मक्का लेकर आया था, मैं कोशिश किया कि कोयला को जलाने के लिए दोस्तों, बट प्लास्टिक और आंवला तेल दोस्तों, डाबर का सरसों तेल मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों इसके डाल रहा हूँ दोस्तों, क्यों इससे मैं इसको आग को मैं जला रहा हूँ दोस्तों। बात यह है कि दोस्तों ये बड़ा पैक था, लगभग 200 ml से ऊपर का है दोस्तों। तो हुआ ये कि दोस्तों ये जो है डेट इसका एक्सपायरी हो गया है दोस्तों, तो मैं सोचा कि इसमें ही यूज इसको करते हैं, क्योंकि मेरे पास बाकी कुछ चीज़ नहीं था जलाने के लिए, तो यही था तो मैं सोचा इसमें यूज करते दोस्तों। और दोस्तों इस थोड़ा सा शाम हो चुका है और हम लोग अब जिरावगढ़ पहुँचे हुए हैं, कि यहाँ पर बीकानेर का स्वीट्स शॉप है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा रस मलाई, उस मलाई मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद पड़ता है यहाँ का। और मैं जो है यहाँ पे कतर जाने वाला, तो मैं सोचा कुछ मिठाई उठाई यहाँ पे कुछ खा लूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ हर चीज़ नहीं मिल पाता है जो चीज़ आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2-3 किस्म का जो दोस्तों मिठाई भी लिया, मैं खास करके मैं रस मलाई लिया दोस्तों, और फलूदा मैं 2 मिठाई यहाँ पर खाया दोस्तों। साथ में मेरी फैमिली भी था, वो लोग मेरी बच्ची भी थी, वो भी थोड़ा सा रस मलाई दोस्तों खाई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग को प्लान है निकलने के लिए देसी ठाट, जो कैमूर के अंदर में है। तो ये आप देख रहे हो देसी ठाट का शाम का नज़ारा है, लगभग अभी 7 से ऊपर हो चुका है। और हम लोगों ने अभी जो ऑर्डर किया है तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है, आप देख रहे हो फुल देसी तरीके से पे यहाँ पे है। आपको लालटेन है, कुर्सी है, यहाँ पर खटिया मिलेगा आपको यहाँ पर, और बैठने के लिए टायर का जो बना हुआ है फुल देसी है। और हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों अंदर का व्यू है, मेरी बेटी बैठी हुई है टेबल के ऊपर में, और ये आप देख रहे हो जो बना हुआ है अंदर से भी, अब फुल जो है बम्बू का बना हुआ है, बट ये बम्बू का दोस्तों। और ये आप लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हो, बहुत ही मस्त लगा हुआ, फुल देसी है दोस्तों। और ये हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा आया दोस्तों, और साथ में दोस्तों शेक था, नींबू शेक। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाने के बाद से फिर हम लोग लगभग दोस्तों वहाँ पे 8 बज चुका था, क्योंकि लगभग 20 मिनट जो है पिज़्ज़ा में लगा दोस्तों बनाने में वो लोग को। और फिर है दोस्तों हम लोग वहाँ से रिटर्न जो है लगभग 8 बजे वहाँ से हुए हम लोग वहाँ से। और ये पिज़्ज़ा का प्राइस बता,